अच्छा आपको आदित्य जी नहीं दिखता कि मुसलमानों पे किस तरीके से जुल्म होता है, वन साइडेड? नहीं, आपको सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते हैं। मॉब लिंचिंग हो तो मुसलमान, बुलडोजर चले तो मुसलमान, सिर्फ मुसलमान और मुसलमान, और वो भी विक्टिम। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और हम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं, आप भी तो मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं। आपकी राजनीति मुस्लिम नहीं करता, तो सीएम तक बनवाना चाहते हैं मुसलमान, आप तो सीएम तक बनवाना चाहते हैं मुसलमान। प्रवक्ता एक्सपोज होने लगे तो आपने आकर उनको, आपने उनको बैकअप दिया, देने का काम किया। आप जब एक्सपोज होने लगे और आपसे मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आप बीजेपी प्रवक्ता के पीछे जाके छिपने लगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अदिति त्यागी और एमआईएम के प्रवक्ता के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही थी इस बात पर कि एमआईएम बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो हिंदुओं का तुष्टीकरण करती है। इसी पर एंकर अदिति त्यागी ने इनकी अच्छे से क्लास लगाई और बोला कि एमआईएम तो खुद मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी हुई पार्टी है, अगर मुस्लिमों की बात ना करें तो उसका तो दिन ही नहीं निकलता। तो दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो ऑन कर ही दें। तो पहले वीडियो में चलते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इस टाइम हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है। अभी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान में जा करके, मेरी आवाज आप तक मैडम पहुंच रही है? जी 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 पहुंच रही है। एमआईएम कामा सीट से भी लड़ रही है और कांग्रेस का हाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से एक पत्र जारी होता है, उसमें लिखा जाता है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक कामा की विधानसभा सीट पर न भेजा जाए, वहां पर बहुत ज्यादा विरोध है, किसी के भी साथ कोई गलत घटना हो सकती है, इस तरीके का लेटर में लिख के आ रहा है। तो ये बात समझ में आती है कि वहां का जो मुसलमान है वो कांग्रेस के साथ अब नहीं है, वो एमआईएम के साथ है और हम 13 सीटों पर लड़ रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमको बड़ी कामयाबी लगा रहे हैं वहां से हासिल होगी। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और हम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं, आप भी तो मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं। आप किसका वोट मांग रहे हैं? मुसलमान का ही वोट मांग रहे हैं ना? तो हम अच्छा ये नहीं, हम मुसलमान का नहीं मांग रहे हैं, हमने ये कहां कहा आपसे? खतरे में तो इस देश में सबसे ज्यादा मुसलमान है। मुसलमानों को नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ और मीडिया नहीं कहता है। असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं मीडिया तो वो दिखाता है। देखिए खतरे में मुसलमान है ये आप बता रही हैं, हमें आपके माध्यम से बात पता चला है और मैं चाहूंगा तो आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस बात पर चिंता करना चाहिए, आप अपने नेता को नहीं सुनते इस बात पर चिंता जो रोज ही आशंका जताते रहते हैं, जीनोसाइड हो जाएगा मुसलमानों का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं सुनते हैं आप अपने नेता जी को। अच्छा आपको आदित्य जी नहीं दिखता कि मुसलमानों पे किस तरीके से जुल्म होता है, वन साइडेड, जैसे कि, और ये आपको नहीं लगता नहीं, कि नहीं, हम मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है या पक्षपात नहीं हो रहा है? जैसे कि कौन से अधिकार छीन ले गए मुसलमानों? जैसे कि अरे एक घर बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी इंसान की गुजर जाती है और उसको बुलडोजर लगा करके जमीन दोस्त कर दिया जाता है, ये कौन सा संविधान और कौन सा कानून बताता है मैडम, ये बताइए। नहीं तो उसमें आप मुसलमान कहां से लेके आ गए? किस संविधान किस कानून? नहीं, आपको सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते हैं। मॉब लिंचिंग हो तो मुसलमान, बुलडोजर चले तो मुसलमान, सिर्फ मुसलमान और मुसलमान, और वो भी विक्टिम। देखिए मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से सीखिए कि वो किस तरह से लिबरल हो रहे हैं, वहां आर्थिक विकास हो रहा है, वहां महिलाएं किस तरह से बाहर निकल रही है, किस तरह से व्यापार की तरफ दृष्टि दे रही है। और आप आज भी हिजाब इनपे अटके पड़े लाउड स्पीकर पे, आपको पता है सऊदी अरब में माइनॉरिटी मिनिस्टर का नाम आदित्य जी आप ही पूछ लीजिए, इनसे माइनॉरिटी मिनिस्टर का नाम सेंट्रल दिया जाता है। आदित्य जी सिर्फ एक सवाल देश की जनता आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि आप इनसे पूछ लीजिए कि माइनॉरिटी मिनिस्टर सेंट्रल का नाम बता दें साहब, बस सबका साथ सबका विकास पूरा हुआ, नाम बता दें केवल। नहीं नहीं नाम से एक सेकेंड, आपके हिसाब से एक मुसलमान नाम जो है वो इस पोस्ट के साथ ज्यादा इंसाफ करेगा? किसी और धर्म का व्यक्ति नहीं कर सकता ये कहना चाह रहे हैं? इंसाफ करेगा कौन नहीं करेगा इंसाफ के लिए? आप ये बताइए आपको लगता है जो काम स्मृति ईरानी नहीं कर पाएगी वो असदुद्दीन ओवैसी और फरहान साहिब कर पाएंगे? ये कहना चाह रहे हैं मुझसे, ये कहना चाह रहे हैं?
देखिए ऐसा है। हाँ कैसा? तो अभी जो सबका साथ और सबका विकास वाली बात है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं मुझे आपत्ति नहीं है कि एक आपका जीके टेस्ट अगर पूरा हो गया हो, जीके टेस्ट पूरा हो गया हो तो मुझे ये बता दीजिए। हमारा जीके नहीं, हमने जीके टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, जीके टेस्ट अगर आपका पूरा हो गया हो। अच्छा, ये मानक है? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए जरा, ये मानक है कि एक 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 मुसलमान ही मुसलमान का उत्थान कर सकता है? तो फिर इस देश में बनाइए सब अलग अलग धर्मों के प्रधानमंत्री बना दीजिए आप लोग। जिस दिशा में आप इस देश की राजनीति को ले जाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आदित्य जी आपकी पार्टी तो एडवोकेट करती है मुस्लिम सीएम। सवाल बहुत, कौन सी किताब में लिखा है कि एक मजहब का व्यक्ति उस मजहब का उत्थान कर सकता है? तो जो भारतीय संविधान के अनुसार जो चीजें बनी हुई हैं, माइनॉरिटी संस्थान हुए या माइनॉरिटी आयोग हुए या एससी एसटी आयोग हुए, उसमें लिखा है कि एक माइनॉरिटी का व्यक्ति ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बनेगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, स्मृति ईरानी जी हैं। अरे ये बताइए ना, माइनॉरिटी से आने वाला व्यक्ति ही माइनॉरिटी का मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बनेगा, लिखा है? बता दीजिए मुझे कहाँ लिखा है। हम तो कह रहे हैं ना, आपके कहने से क्या होता है? ये सवाल तब आपका वाजिब होता, ये सवाल ना, मेरा सवाल आज भी वाजिब है। आप उसके वाजिब होने पे इंकार करेंगे क्योंकि आपकी राजनीति को सूट नहीं करता। आपकी राजनीति को सूट नहीं करता, तो सीएम तक बनवाना चाहते हैं मुसलमान? आप तो सीएम तक बनवाना चाहते हैं मुसलमान? बीजेपी के प्रवक्ता एक्सपोज होने लगे तो आपने आकर उनको बैकअप दिया, देने का काम किया। आप जब एक्सपोज होने लगे और आपसे मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आप बीजेपी प्रवक्ता के पीछे जाके छिपने लगे। सुनिए, आपसे सवाल पूछना बीजेपी प्रवक्ता को आकर कवर करना नहीं होता। पहले तो ये आप लोग बहुत क्लियरली समझ लीजिए, मैं सवाल पूछने जानती हूँ, मैं सवाल उठाना जानती हूँ, मैं सवाल पूछूंगी। अब आपको जो सोचना है उसके बाद आप सोचिए, क्योंकि आपकी सोच मेरे कंट्रोल से बाहर है, आपकी सोच मेरे कंट्रोल से बाहर है, और आई डोंट कंट्रोल दी अनकंट्रोलेबल। सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे ये बता दीजिए। हाँ, देश जानता है, और इस समय देश हंस रहा होगा आपके ऊपर इस बात को सुनकर कि एक धर्म विशेष से आने वाला व्यक्ति ही उस धर्म विशेष का उत्थान कर सकता है। बिल्कुल हंस रहा होगा आपकी ये बातें सुनकर। ये जो आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, तो ये बताइए कितनी सीटें हैं आपकी देश भर में? आपकी कितनी सीटें देश भर में? क्यों नहीं चुन लेता देश का मुसलमान आपको? जितनी कभी संसद में दो एमपी है भारतीय जनता पार्टी की थी, दो सीटें। हाँ ठीक है, जितनी कभी भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी का क्या था मुझे नहीं पता। आप देश के मुसलमानों की आवाज होने का दावा करते हैं तो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अब बीजेपी के पीछे मत छिपिए आप। अब मेरी बात सुन लीजिए मैडम, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। आपने जो क्वेश्चन किया उसका उत्तर जवाब दीजिए मुझे, इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए, आपने पूछा देश में कितनी सीटें हैं कभी जितनी, अब सुन लीजिए, अब इंटरप्ट मत करिएगा पीजी, नहीं मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ आपके इंटरप्ट करने पर। देखिए, जितनी सीटें कभी भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी उतनी सीटें आज हमारी हैं, और जितनी सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में उतनी सीटें हमारी देश भर के अंदर होंगी, ये आपको दावे के साथ कहता हूं मैं। नहीं नहीं, आप हिजाबी पीएम बनाना चाहते हैं, हिजाबी सीएम बनाना चाहते हैं, और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब क्या बुराई है? आप नहीं चाहती हैं। अब क्या बुराई है? तब से आप योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी की राजनीति में सवाल उठा रहे हैं। वो उस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जो तब से सवाल उठा रहा है, हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा रहा है, मुसलमान को टारगेट किए जाने की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके लिए स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए, इनके लिए स्टैंडर्ड अलग। बहुत अच्छे, यही राजनीति है कन्वीनियंस की, नहीं चाहती, यही राजनीति है कन्वीनियंस की। सुनिए, तो दोस्तों देखा आपने, तुष्टीकरण की बात भी कौन कर रहा है, जो खुद ही तुष्टीकरण की सबसे बड़ी दुकान है इस देश में। और बाकी सपने देखने का हक तो सभी को है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, जो ये सीटों वाली बात कर रहे थे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना, और वीडियो को एक छोटी सी लाइक दे देना, वीडियो को पुश मिल जाएगा। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।